हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। भाई काफ़ी दिन हुए मैंने आपको कोई कहानी सुनाई, तो चलिए मैं आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ और इस कहानी का नाम है शत्रु की सलाह। नदी किनारे एक विशाल पेड़ था, उस पर बहुत सारे बगुले रहते थे। उसी पेड़ के कोटर में एक काला नाग रहता था। जब अंडों से बच्चे बाहर निकल आते तभी वह नाग उन्हें खा जाता था। बेचारे बगले मजबूर थे, वह वहाँ से कहीं नहीं जा सकते थे क्योंकि नदी में कछुओं की भरमार थी। कछुओं का नरम मांस बगलों को बहुत अच्छा लगता था। इस बार जब नाग एक बच्चे को खाने लगा तो पिता बगले की नज़र उस पर पड़ गई। बगले को बहुत दुख हुआ। उसे आंसू बहाते हुए देख एक कछुए ने पूछा, मामा क्यों रो रहे हो? बगले ने नाग और मृत बच्चे के बारे में बताकर कहा, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। कछुए ने मन में कहा, अच्छा तो यह इस गम में रो रहा है? जब यह हमारे बच्चे को खा जाता है तब तो कुछ ख्याल नहीं आता कि हमें कितना दुख होता है। तुम सांप से बदला लेना चाहते हो और हम तुमसे। बगुला अपने शत्रु को अपना दुख बताकर गलती कर बैठा था। चतुर कछुआ एक तीर से दो शिकार करने की योजना सोच चुका था। कछुए ने बगले को बताया, यहाँ से कुछ दूर एक नेवले का बिल है। नेवला सांप का शत्रु है। नेवले को मछलियाँ बहुत पसंद हैं। तुम छोटी छोटी मछलियाँ पकड़कर नेवले के बिल से सांप के कोटर तक बिछा दो। नेवला मछलियाँ खाता खाता सांप तक पहुँच जाएगा और उसे समाप्त कर देगा। बगले ने वैसा ही किया जैसे कछुए ने समझाया था। नेवला सचमुच मछलियाँ खाता हुआ कोटर तक पहुँचा। नेवले को देखते ही नाग ने फुंकार छोड़ी। कुछ ही देर की लड़ाई में नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बगला खुशी से उछल पड़ा। कछुए ने मन ही मन में कहा, यह तो शुरुआत है मूर्ख बगले, अब मेरा बदला शुरू होगा और तुम सब बगलों का नाश होगा। कछुए का सोचना सही निकला। नेवला नाग को मारने के बाद उसी कोटर में बस गया जिसमें नाग रहता था और रोज एक बगुले को अपना शिकार बनाने लगा। इसी प्रकार एक एक करके सारे बगुले मरे गए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शत्रु की सलाह में उसका अपना स्वार्थ छिपा होता है। तो बच्चों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब मैं आप सभी से मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।